बिहारी तेरे चरणों में वारी वारी जाऊं बिहारी तेरे चरणों सही सलामत है, जोर से उठा के बोले जाए। यहाँ शर्म मत करियो भाई है, गांव में शादी होती तो आज मेरे मैया भी बोलती है, बहन भी ताऊ भी तो मार लेता आज मेरे। अरे बिहारी जी का काम है ना, ओ बाके बिहारी लाल नहीं तिना किया करो सिंगर नजर तो है नहीं जानकी Thank you.
बड़ा चरम लागे माउसी पैजन चारी चारी मोहर लागे माउसी पैजन चारी चारी लागे तेरी बिंदिया करे कम तेरी बिंदिया करे कम ओ सुन ले प्यार की जरूरत कैसे होती है कि नजर से नजर मिले दिल से दिल को प्यार हो किसी की याद में दीवाना बेचारा सुन यशुदा के नंदिला मत करे ना इतना नजर पे लग जाएगी सरकार
चली पार समरिया हमारे सरकार काल में हमारे कृष्ण जी का जो है जन्म उत्सव मनाया जाएगा। सभी लोग जो है अपने ग्रह से अपनी इच्छा अनुसार वस्त्र, चावल, गेहूं, पंचमेवा, दूध, दही, घी, शक्कर यहां लाकर के जो है दान कर सकते हैं। इच्छा अपने उनके सिर पर ठाकुर की कृपा थी, परमात्मा का वास था, इसलिए सारे रास्ते खुलते चले गए। और जब वो उधर से आए तो उनके सिर पर कौन था? माया। तो जब तक आप साधना करोगे, भजन करोगे, करी साधना है, वाणी की साधना है, स्वर की साधना है, तंत्र साधना है, कोई भी साधना करोगे, तब तक परमात्मा आपके साथ है।
उस समय आप जो चाहोगे सारे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। और जिस दिन इस साधना से विमुख होकर के माया को सिर पे बैठा लोगे उस दिन तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। यही कारण था कि वासुदेव के सिर पे जब भगवत कृपा थी बिहारी जी थे तो सारे रास्ते खुलते चले गए। और जब वापस आए तो सिर पे माया थी इसलिए सारे रास्ते बंद हो। तो मेरा ख्याल है कि साधना में ही ध्यान रखा जाए। उधर ब्रज में आनंद है। अतः सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यहोवा जन्मच्च सातर्ष ग्रह तारकम् दिशः प्रसेदुर्गगनम् निर्मलो अंगगणोदयम् मही मंगल भूमिष्ठ पुरग्राम रजाकरः मध्यः प्रसन्न सलिला विदा जलरूह श्रियः विदालिकुल सन्नाद अस्तव कावन राजयः। सब प्रभु के आगमन में इतने प्रसन्न है। अब आपके घर में भी बेटा हो तो आपका तो ज्यादा ही अनुभव है। यहाँ तो पिता भी ज्ञान है। कई बार हम सुनते भी है कि आप बच्चों के प्यार को इसीलिए नहीं समझ सकते स्वामी क्योंकि आपके पास बच्चा सुना पड़ता है। जिन किसी बच्चे को दंडित कर दो डांट दो तो बातें आ जाती है। घायल की गति घायल जाने की जिन घायल हो जो जख्मी है वही समझता है जख्मी। और सुखिया कहा जाने दुखिया गति जीवन सुख में हो। जिसके जीवन में दुख है वो दुखी को समझेगा और जिसके जीवन में सुख है उसे दुखिया को समझने की फुर्सत। अभी ब्रज में आनंद है। ब्राह्मणों को बुलाया है। लक्षण देख लीजिए विप्र देवता आ गए हैं और ब्रज में बधाई गीत हो रही है आनंद ले रहे हैं। कोई अन्न लुटा रहा है कोई दान कर रहा है कोई धान कर रहा है कोई अपने कन्हैया की बार बार आरती उतार रहा है। एक दिन हमारे परमात्मा ने दूध पीना बंद कर दिया और रोने लगे तो माई लोग है ना पहला काम करते मुझे भी नजर लग जाती है तो कई बातें उतारती कहती है ऐसा कि लल्ला तुझे नजर लग गया। बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया। अब जब माताएं आपके घर में बच्चा देखने आती है ना आचार्य जी आएंगे देखने मेरा बच्चा कितना सोना है कितना सुंदर है कितना प्यारा है। उसके गालों को हाथ लगाएंगे तलवे को हाथ लगाएंगे गले लेंगे चूमेंगे लेकिन रखने के बाद देखो यू कैसा देख रहा है गोल मटोल पहलवान सा कितना सुंदर है पर मेरा सब कुछ खिला के काला कल उठा। इसे कहते हैं दृष्टि दोष। ये बहुत सुंदर है पर मेरा वाला नहीं है। काश ऐसा मैं भी होता काश मेरे पीछे भी ये दुनिया सर झुकाता। कर्म करो पहले अपने आप को दुनिया के सामने झुका दो खुद को मिटा दो। जब तुम खुद मिट जाओगे तो दुनिया अपने आप तुम्हें सिर पर उठा लेगी। यशोदा जी ने देखा कि मेरा नंदलाल दूध नहीं पी रहा है तो क्या कहती है कि शायद मेरे लल्ला को किसी की नजर लग गई इसीलिए बच्चे जब छोटे रहते हैं काले धागा में पिरो करके नजरिया पहनाया जाता है कि कहीं किसी की नजर
और नजर तो पत्थर को फाड़ दे दी, इंसान क्या चीज। कोई वृक्ष बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, कहने लगे कि सूख जाएगा, वैसे होता है। अब यहां पर यशोदा जी ने पास की एक माई को बुला लिया, कि ओ इधर आ जा बुढ़िया माँ, तो बुढ़िया तुझे पता है मेरे लल्ला को तकलीफ हो गई है। क्या हो गया है तिवारी बाबा? कि मर गई रे, अरे मर गई रे, मर गई री कोई सखी तो है तो ना, मर गई री कोई सखी तो है तो ना, मर गई री कोई सखी तो है तो ना, मर गई री कोई सखी तो है तो ना, 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 बड़ी टेढ़ी नजर है, लल्ला पे लग गई तो रोटी ना खाओ। अभी तो मेरा लाल खेल रहा था, शाम को बगीचे में खेल के आया, कल से बहुत रो रहा है जी, चिल्ला रहा है, वो पड़ोसन की नजर बड़ी तेज है, उसकी नजर लग गई मेरे लाल को, मर गई री मर गई री कोई सखी तो है तो ना, तिरछी नजर से मत देखो जी, मेरे लल्ला को नजर लग जाएगी। कोई तिरछी, कोई तिरछी न
नजर से न देखो लाल मैया मैया
त्वदीयं लोभेन चोरयितु मत्स्य गृहं प्रविष्टिः मैया ओ मैया अरे वो कौन है मैया से माँ कह रही है मेरा माखन चोरी हो गया तो कन्हैया जी उल्टे माँ से कह रहे हैं अरे मैया वो कौन है जो लोग बस तेरे घर में घुस आया और माखन भी चुरा ले गया भैया तू मुझ पे शक मत करना है माँ मुझ पे क्रोध मत करना क्योंकि मुझे तो माखन से कोई लोभ माँ के नेत्र में जलाते हैं ऐसी लीलाएं चलती हैं भगवान चोर नहीं है भगवान चित्त चोर है भगवान को जिसने माखन चोर कहा वो मूर्ख भगवान ने कहा तेरे सिर पे पाप का मटका है विषय विकार काम क्रोध मद रूप जो महखन है दही है अरे उसे एक बार मुझे खिला दे बदल में तुझे वैराग्य दे दूंगा और वैराग्य से भक्ति मुक्ति पाकर तुझे जनवर बना दूंगा मेरे ठाकुर माखन नहीं चुराते थे इस जीवात्मा के सिर पे पाप की गगरी जिसके अंदर काम क्रोध मद मोह इन्हीं राम के दही जिनसे निकल कर विकार रूपी मक्खन है जब तक ये है आप कहां जाएंगे भगवान ने उस मक्खन को खाया गैया के मक्खन की कहां समीची जो दुनिया को मक्खन देता है एक भाव दर्शाया है माता और पुत्रा माँ और पुत्र के बीच की व्यवस्थाओं को दर्शाने की चेष्टा की है नया आचार्य जी वो बिकारों को खाया है श्याम सुंदर के बाहर जाने पे चोर चोरी छोड़ता कभी घर हो या बाहर काम दिखाई देते माया सौदा बाहर गई है और नंदलाल ने अपने ही घर में माखन की चोरी कर ली अपने ही घर में और इतने में सौदा लौट के आ गई कृष्णः क्वासि करोति किम् पितरति श्रुतेव मातुवर्चः आसकं नवनी त्रिचार्य विरतौ प्रीतव्यतामं ब्रवीत क्या कर रहा है कन्हैया क्या कर रहा है बार बार कहती है तो माता कंकंग पद्य राग महसा के लिए गुस्सा किया रोग महसा क्रोध किया परिमा तप्यते तेनाय थोड़ी देर के लिए तपे नवनीत भांड विवरे विनयस्य निर्वाप चढ़ाभ्या कर कुंकुमलेन भूमित रुद्रकंठ कुहराद अस्पष्ट वागी भ्रम क्रोध में आती है आचार्य जी नंदलाल कंठ में करुणता भरते हुए रुदन करते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं मात्रा तो नवनीत चोर पुत के मैं चोर नहीं हूं मैया चोर कोई और होगा रावस्त साजले मामृजाय मुखम तखिलम बसे घंटे कृतः जब कन्हैया जी ने ऐसा कहा माँ तो माँ है
उसको गले से लगाया, उसे मक्खन को पोंछ लिया और सीने से लगा लिया। कन्हैया जी ने कहा, माँ तुझे एक बात बताऊं। कन्हैया जी ने कहा, मेरा ब्रह्म का अवतार है, आज अगर मैं सच नहीं बोलूंगा तो ब्रह्म का धर्म नष्ट होगा। कन्हैया जी ने झूठ नहीं बोला, लेकिन माँ का प्रेम है जो सच को झूठ और झूठ को सच मान ले। पंक्तियों पे ध्यान देना। कन्हैया जी ने भाव देख के कह दिया कि माँ मैंने ही खाया। ब्रज में कन्हैया जी ने कहा, माँ मैं तुझे अच्छा लगता हूँ। बोले हाँ। बोले माँ तू मुझको भाती है, मैं तुझको भाता हूँ। अगर मुझे कोई चीज भाए और मैंने उसे खा लिया तो उसे तू चोरी कहेगी। कन्हैया जी ने आचार्य जी कहा, माँ तू मेरी माँ है, तू मुझे भाती है ना, मैं तुझे भाता हूँ। और मुझे कुछ भाता है यानी मुझे माखन अच्छा लगता है माँ, तो अगर मैंने खा लिया तो तुमसे चोरी कहेगी। माँ ने फिर गले लगा लिया, कहा नहीं नंदलाल तू चोर नहीं है मेरा लाला, तुझे जो भाव है तू खूब खाता रहे, फिर खुश रहे। ये भाव तो माँ कर सके और कोई नहीं। आजकल जैसे बच्चों से आप कहते हैं ना कि आपको आप भी कहते हैं ना कि लाला काजू खा ले, शांति शांति। कहते हैं शांति शांति, जैसे आज आप लोग कहते हैं कि लाला दूध पी ले फल खा ले, ऐसे ही सोदा बार बार कहते हैं नंदलाल कुछ मेवा मिष्ठान खा लेते। जो मेवा पकवान कहते जी।
बात जब अपनी माँ से कह रहे हैं कि अरे माँ तू कौन, मेरी माँ, मैं कौन, तेरा लाला, तू मुझे भाती, मैं तुझे भाता, और मुझे माखन मिश्री भाता अच्छा लगता, तो मैंने चुरा के खा लिया, इसमें कौन सी बात है। यशोदा ने कहा तुमने चोरी किया, मैंने कहा मैंने चोरी किया नहीं, जो मुझे अच्छा लगा मैंने खा लिया। आज भी लोग कह रहे कि जी अंधा बाटे सिन्नी अपने अपने को दे, अंधा बाटे सिन्नी अपने अपने को दे, तुम्हारे को उनसे हम टूट गए जो छीन के ना ले, हक की लड़ाई जाए बेटे, माँ बेटे से न लड़े तो किसते लड़े, वो बात अलग है, माँ अकेले काजू खा लो बेटे को चाय न दे। अब यहाँ कन्हैया जी की बात लोग पीछे एक सखी सुन रही है, अब उसने गांव में चर्चा चालू कर दी, जब उसने सुना क्या सुना मालूम है सवारी बाबा, रजयवती के पीछे Yeah.